सरकारी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के मुखी डॉक्टर शिवचरण को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले डॉक्टर शिवचरण का तबादला पटियाला में कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने दो दिन पहले ही हाईकोर्ट में स्टे ले लिया था, क्योंकि 31 दिसंबर को वह रिटायर होने वाले हैं। उनकी रिटायरमेंट में 6 महीने रहते हैं, इसलिए इसी को आधार बनाकर वह कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया था। कल उन्होंने दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और आज उन्हें सरकार की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है। माना जा रहा है कि डॉक्टर शिवचरण की ओर से सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो घटिया पीपीई किटों की खरीद हुई थी, उस मामले को उजागर किया था। डॉक्टर शिवचरण ने ही प्रिंसिपल डॉक्टर सुजाता शर्मा के रहते एक पत्र लिखा था कि ये पीपीई किटें घटिया किस्म की हैं और डॉक्टरों ने इन्हें पहनने से इसलिए इनकार कर दिया है क्योंकि ये किटें पहनते ही फट जाती हैं और घटिया किस्म की अगर किटें पहनेंगे तो डॉक्टर भी कोरोना के शिकार हो जाएंगे। मामले की जांच अभी की जा रही है। इससे पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुजाता शर्मा को भी हटा दिया गया। माना जा रहा है कि उन्होंने भी ये कहा था कि अगर ये किटें घटिया हैं तो उन्होंने कंपनी को लिख दिया है कि हमारा पैसा वापस किया जाए वरना हम कोर्ट में जाएंगे। उन्हें हटाकर उनके स्थान पर डॉक्टर राजीव देवगन को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। हमने डॉक्टर शिवचरण से बात करने की कोशिश की, उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया है वह खुद हैरान है। उन्होंने तो कोविड की महामारी के दौरान दिन रात काम किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं की। रही पीपीई की घटिया किटों की बात, तो उन्होंने केवल सच्चाई प्रिंसिपल को बताई थी कि ये घटिया किटें अगर डॉक्टर पहनेंगे तो वह कोरोना के शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर शिवचरण को हटाने के बाद मेडिकल कॉलेज में चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार ने जो भी किया है ठीक नहीं किया। इसका मतलब ये है, जो भी घटिया सामान यहाँ पर लाया जाएगा उसे डॉक्टरों को यूज करना होगा। किसी को आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है।